और वसुंधरा राजे खुद यहाँ पर पहुंच चुकी है ऑफिस में। बधाई का जो कार्यक्रम है वो भी शुरू हो जाएगा। तो देखिए हम आपको हर अपडेट। बिल्कुल गुलाबचंद कटारिया से सहयोगी आयुषी हमारी लगातार बातचीत कर रही थी और आगे आने वाले सफर को वो किस तरीके से देख रहे हैं वो भी गुलाबचंद कटारिया ने बताया है। आयुषी, वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद है, हमने देखा तस्वीर उनकी, अगर संभव हो पाए तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा, उनकी भी प्रतिक्रिया इस पर लीजिएगा। अब बिल्कुल बिल्कुल देखिए बिल्कुल दीपिका, तो देखिए लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं, वसुंधरा राजे इस समय वहां पर मौजूद है और हम उनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे। पर देखिए जिस तरह से समझ में आ रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले ही वसुंधरा राजे पहुंची है और बधाई अभी दी जाएगी, हम देखिए प्रयास करेंगे दीपिका, अभी मुश्किल नहीं हो पा रहा है, मुमकिन नहीं हो पा रहा है, पर हम प्रयास करेंगे, वसुंधरा राजे से भी बातचीत करेंगे और हमारे दर्शकों को सीधी तस्वीरें भी उसकी दिखाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आयुषी, आप बनी रहिए, लगातार हम तस्वीरें आपके माध्यम से दिखा रहे हैं क्योंकि बधाई देने वालों का लगातार तांता लगा हुआ है, क्योंकि अब राजस्थान की राजनीति, लेकिन अब असम का राज्यपाल उन्हें नियुक्त किया गया है, बनाया गया है, तो एकदम से अब पूरा जो सफर है वो बदलेगा। और जब उनसे आपने प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने कहा भी इस बात को कि जो भी जिम्मेदारी आज तक मुझे मिली है भली भांति मैंने उसे निभाया है और आगे भी उसी तरीके से निभाता रहूंगा। आयुषी जरा वहां की तस्वीरें दिखाइएगा और कुछ जो समर्थक है ना वहां पर जो बधाई देने के लिए पहुंचे हैं उनसे भी जरा बातचीत करिए। बिल्कुल देखिए ऐसा है दीपिका, यहाँ की अगर बात करें तो काफी संख्या में समर्थक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जहाँ पर लगातार लोग उनको बधाइयां देने के लिए पहुंच रहे हैं, मिठाई खिलाई जा रही है, फूल भेंट किए जा रहे हैं। और वहीं देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं जहाँ वसुंधरा राजे मौजूद है यहाँ पर और बधाई देने के लिए पहुंची है। तो वही बिल्कुल आयुषी हम दिखा रहे हैं आपके माध्यम से तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची हैं गुलाबचंद कटारिया को बधाई देने के लिए, ये तस्वीर दिखा रहे हैं और बड़ी संख्या में समर्थक वहां पर मौजूद हैं और कोशिश की जाएगी वसुंधरा राजे की भी प्रतिक्रिया लेने की कि वो क्या कहती है, किस तरीके से इस नियुक्ति को वो देख रही है। आपको बता दें कि गुलाबचंद कटारिया एक लंबा राजनीतिक करियर उनका, उनकी गिनती राजस्थान के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में होती है। वो आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं, फिर जनसंघ में आए और जनसंघ बीजेपी के शुरुआती नेताओं में से कटारिया प्रमुख रहे हैं। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, वसुंधरा राजे बधाई देने के लिए कटारिया के आवास पर पहुंची हैं। असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को बनाया गया है और ये सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी भी हमने आपको बताई और आपने सुना गुलाबचंद कटारिया को, उन्होंने कहा इस बात को कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले उन्हें बताया कि उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान में सबसे आगे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंचाता है और इस बात पर मोहर गुलाबचंद कटारिया ने भी लगा दी है क्योंकि वो ये कह रहे थे उनको पता ही नहीं था, फर्स्ट इंडिया की तरफ से उन्हें बताया गया कि आपको ये नई जिम्मेदारी मिली है और उसके बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा और ये जानकारी बेहद अहम क्योंकि अब जो परिदृश्य बदलेगा राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से अब बदलाव देखने को मिलेगा इस पर हर किसी की नजर रहेगी क्योंकि यही आगे पार्टी की दशा और दिशा दोनों तय करेगी क्योंकि अब ये चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में ये तो तय था कि बदलाव होंगे लेकिन इस तरीके से बदलाव होंगे ये अब सामने आने लगे हैं क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं लेकिन प्रधानमंत्री के आने से पहले ये बड़ा बदलाव, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री आते और गुलाबचंद कटारिया बतौर नेता प्रतिपक्ष उनका स्वागत करते लेकिन अब तस्वीर बदल गई है, अब गुलाबचंद कटारिया कहलाएंगे असम के राज्यपाल। लगातार उनके समर्थक उनके घर पहुंच रहे हैं, मंत्री उनके घर पहुंच रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आपने वसुंधरा राजे को देखा वो भी उनके आवास पर पहुंची हैं और उन्हें बधाई दी जा रही है, काफी खुश गुलाबचंद कटारिया नजर आ रहे हैं लेकिन तमाम सवाल भी वही बरकरार है कि अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, अब कौन कौन से पदों पर बदलाव देखने को मिलेगा, पार्टी में कैसे बदलाव होंगे और बदलाव होंगे तो वो कौन से होंगे और कौन से समीकरणों को साधकर अब आगे नियुक्तियां होने वाली हैं क्योंकि चेहरे की लड़ाई है और अब आगे आने वाले समय में चेहरा भी साफ कितना हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। आयुषी मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आयुषी देखिए क्योंकि
ये गुलाब चंद कटारिया ने, आपने जब उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा इस बात को कि फर्स्ट इंडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि मुझे नई जिम्मेदारी मिली है, और वहां पर अभी कैसी तस्वीरें हैं, कौन कौन पहुंचा है बधाई देने के लिए, और समर्थकों में कितनी खुशी देखने को मिल रही है। अब बिल्कुल दीपिका, देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही बातचीत का दौर शुरू हुआ, सबसे पहले उन्होंने कहा कि फर्स्ट इंडिया की तरफ से पहला कॉल उनके पास में आया था, और तब उनको इस बात की सूचना मिली थी कि उनको राज्यपाल बना दिया गया है असम का। और वहीं अगर अभी यहां की बात करें तो वसुंधरा राजे भी मौजूद है, उनके साथ में गुलाब चंद कटारिया मौजूद है, और दोनों के बीच में कुछ बातचीत हो रही है। और हालांकि देखिए अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि आगामी चुनाव भी आने हैं राजस्थान के अंदर, और वहीं इसी बीच में एक बड़ी घोषणा हुई है कि राज्यपाल घोषित कर दिया गया है गुलाब चंद कटारिया को असम का। तो ये कह सकते हैं कि बधाइयों का दौर भी जारी रहेगा, और कह सकते हैं कि रणनीति का दौर भी आप कह सकते हैं इसको जारी रहने वाला है, क्योंकि देखा जा सकता है कि गुलाब चंद कटारिया राजनीति की, अगर राजस्थान की राजनीति की बात करें तो एक बड़ा ही अहम चेहरा है। तो देखिए अब देखने की बात यह होगी कि आगे जो ये पद है, क्योंकि दीपिका देखिए सबकी निगाहें जो अब टिकी हुई है, जो राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में जो हलचल चल रही है वो इस बात पे ज्यादा चल रही है कि अब वो कौन सा चेहरा होगा जो इस पद को संभाल पाएगा। बिल्कुल आयुषी, और एक बार अपने फिर दर्शकों को बता दें कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने ही सबसे पहले ये संकेत दिए थे कि असम का राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को बनाया जा सकता है, उन्हें नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, और सबसे पहले संकेत हमने ही दिए थे। और आज भी जब सबसे पहले ये जो पता चला, ये नई जिम्मेदारी गुलाब चंद कटारिया को दी गई है, ये गुलाब चंद कटारिया को पता ही नहीं था, फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले अपने दर्शकों को ये जानकारी दी थी। एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया की खबर पर मोहर लगी है आयुषी। बिल्कुल। अजी दीपिका, देखिए सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट इंडिया के सभी दर्शकों को बता दूं कि फर्स्ट इंडिया की तरफ से पहले ही ये संकेत दिए जा चुके थे कि गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल घोषित किया जा सकता है। तो वहीं देखिए ये जो पहले जानकारी थी इसकी पुष्टि भी हो चुकी है, आज घोषणा, बड़ी घोषणा इसको कह सकते हैं दीपिका, राजस्थान के अंदर ये बेहद अहम घोषणा है कि राज्यपाल घोषित किया जा चुका है गुलाब चंद कटारिया को। उसके बाद में दूसरी अगर हम बात करें तो जैसे ही बातचीत का दौर शुरू हुआ था, मैंने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि सबसे पहले गुलाब चंद कटारिया को फर्स्ट इंडिया की तरफ से कॉल आया था, फर्स्ट इंडिया का कॉल आया था, और तब उनको ये अहम जानकारी मिली थी कि उनको राज्यपाल घोषित किया जा चुका है असम का। तो ही अभी लगातार हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर बातचीत के अंदर ही देखा गया था कि वसुंधरा राजे वहां पर पहुंची थी। और बिल्कुल आयुषी, और देखिए, और आयुषी आज का दिन इसलिए भी आज का दिन खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, और आयुषी आपसे बातचीत लगातार जारी रहेगी। और बीजेपी नेता अशोक परनामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपका। सर देखिए गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया गया है, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, आपने बधाई दी या नहीं? राजस्थान प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं को बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, एक ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया गया है जिन्होंने राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया, उससे पहले भारतीय जनसंघ को खड़ा करने का काम किया, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रदेश से वो आए हैं, और उन्होंने पूरा जीवन संघ के लिए और पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, और विशेष रूप से मेवाड़ अंचल में तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा काम किया। आज उनको राज्यपाल बनाया गया है, सभी कार्यकर्ताओं में बहुत ही प्रसन्नता है, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से अशोक परनामी जी आप उन्हें बधाई दे रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आप भी रहे, लेकिन अशोक परनामी जी कमी तो खलेगी गुलाब चंद कटारिया की राजस्थान में आपको, क्योंकि अब तो वो असम पहुंच जाएंगे। देखिए उनका इतना अच्छा नेतृत्व तो कार्यकर्ताओं को मिला, पार्टी को मिला, तो कमी तो खलेगी, परंतु हमें इस बात की प्रसन्नता भी है कि उनको राज्यपाल बनाया गया है। बिल्कुल अशोक परनामी जी, अब ये तो चुनावी माहौल है, अब चुनावी माहौल में ये जो बदलाव हुआ है, अब भाजपा जिस तरीके से रणनीति अपना रही है, ऐसे में गुलाब चंद कटारिया का असम में जाना, एक वरिष्ठ नेता उदयपुर में अगर बात की जाए, वहां पर अगर चेहरे को लेकर अगर बात की जाए तो चेहरा भी अब क्या क्लियर है, वहां का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? देखिए वो तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि नेतृत्व कौन करेगा,
परंतु इतना मैं जरूर कहूंगा कि गुलाब जी को राज्यपाल बनाने पे कार्यकर्ताओं में बहुत प्रसन्नता है। अशोक परनामी जी, गुलाबचंद कटारिया को आपने फोन किया, बातचीत हुई आपकी, बधाई दी आपने उन्हें? मेरी नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर के बधाई दूंगा। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से जाकर आप बधाई देंगे उनको। आपका बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और देखिए, तो देखिए गुलाबचंद कटारिया को आप सुन रहे थे, और जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कब पता चला कि उन्हें असम का राज्यपाल बना दिया गया है, तो कहा कि मीडिया के माध्यम से उन्हें पता चला है। हालांकि इस बात को भी उनकी तरफ से कहा गया कि दो दिन पहले प्रधानमंत्री का फोन आया था, हालचाल प्रधानमंत्री ने पूछा था। लेकिन आज की अगर बात की जाए, जो लिस्ट आई है राज्यपालों की, उसमें गुलाबचंद कटारिया का नाम भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपका। अर्जुन राम मेघवाल जी, गुलाबचंद कटारिया जी असम के राज्यपाल बनाए गए हैं, क्या कहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर? माध्यम से गुलाब जी भाई साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं नए दायित्व के लिए। इनका जीवन सादगी से परिपूर्ण रहा, ईमानदारी इनके जीवन में झलकती है, और राजनीतिक जीवन भी इनका और सार्वजनिक जीवन भी, संसदीय जीवन भी इनका बहुत लंबा रहा है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पद पे जो दायित्व ग्रहण करने वाले हैं आने वाले समय में, उसमें भी जिस राज्य में भी जाएंगे, असम में जा रहे हैं, वहां भी अपने राजनीतिक सूझबूझ से संसदीय व्यवस्थाओं को मजबूत करेंगे, विधायी व्यवस्थाओं को मजबूत करेंगे, प्रदेश का भी मार्गदर्शन करेंगे, और देश और प्रदेश के विकास में अपना निश्चित रूप से योगदान देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जी अर्जुन मेघवाल जी, चर्चा क्या पहले से थी या फिर आपको भी मीडिया के माध्यम से अभी पता चला है? नहीं, मैं आज एक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती है, उस कार्यक्रम के अंदर मीटिंग चल रही थी हमारी। बहुत बहुत शुभकामनाएं गुलाब जी को भी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन मेघवाल जी, अब गुलाबचंद कटारिया तो बना दिए गए हैं असम के राज्यपाल, लेकिन अब आगे नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर क्या मंथन हो चुका है या फिर अब मंथन होगा? हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, संगठन बहुत कंसल्टेशन करके सारी चीजों को देखता है, और अब मुझे लगता है कि ये जो विषय आपने उठाया है ये हमारा विषय नहीं है, संसदीय बोर्ड का विषय है। जी ठीक है, अर्जुन मेघवाल जी बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को आप सुन रहे थे, बधाई गुलाबचंद कटारिया को वो दे रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि गुलाबचंद कटारिया असम के राज्यपाल बना दिए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, और उसके बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी समीकरण बदलते हुए नजर आते हैं, इस पर भी हर किसी की नजर रहेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फर्स्ट इंडिया पर, आपका बहुत स्वागत है। सर, असम के राज्यपाल बना दिए गए हैं गुलाबचंद कटारिया जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? राजस्थान के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा मुबारक मौका है कि एक अनुभवी और वरिष्ठ राजनेता को इतना सम्मान मिला है। ये राजस्थान के हर निष्ठावान कार्यकर्ता का सम्मान है कि उनकी जो अपना अनुभव है, उनका जो संवैधानिक पदों पर उनके काम करने की जो उनकी अपनी एक लंबी यात्रा रही है, उसका लाभ निश्चित रूप से राज्यपाल के रूप में मिलेगा ही। बिल्कुल, उनके एक्सपीरियंस का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ सतीश पूनिया जी, एक बदलाव तो हो गया, लेकिन हम नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में किसको आगे देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी गुलाब जी की नियुक्ति की सूचना आई है, तो इतना तात्कालिक होता नहीं है पार्टी के फोरम पे, क्योंकि हमारे यहाँ आलाकमान, संसदीय दल, पार्टी की जो कोर समिति, इतने सारे चैनल्स हैं, सब में चर्चा होगी, उसके बाद जो पार्टी जिसको उचित समझेगी उस पर विचार करेगी जी। अभी समय है।
बिल्कुल अभी समय, लेकिन सतीश पुनिया जी कैसे आपको कब पता चला कि गुलाब चंद कटारिया जी को असम का राज्यपाल बना दिया गया है? देखिए पार्टी देश में प्रमुख नेताओं को उनको इस तरीके के जो लोग हैं जिनका जीवन सुचिता सादगी और इस तरीके से बात उनकी नाम अक्सर चर्चा चलती है, वरिष्ठ नेताओं का कहीं ना कहीं उनका योग्य चयन होगा तो ये उम्मीद तो थी, चर्चा थी बहुत लंबे अरसे से। लेकिन सुबह प्रधान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे सूचना देखी तब माननीय गुलाब जी को फोन किया तो उनके पास अधिकृत सूचना आई नहीं थी, लेकिन अभी क्योंकि वो सर्कुलेट हो चुकी है तो खुशी हुई कि उनका जो जिस तरीके से नियुक्ति हुई है हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है। जी सतीश पुनिया जी, आपने एक बात कही कि चर्चा तो पहले से थी, लेकिन गुलाब चंद कटारिया जी को हमने सुना, अभी उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ अभी पता चला है मीडिया के माध्यम से, इससे पहले दो दिन पहले प्रधानमंत्री का फोन आया था, बस हालचाल पूछे थे। आप ये कह रहे हैं कि ऐसी पहले चर्चा थी कि उन्हें असम का राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो पहले ही ये तय हो गया था? चर्चा का मतलब जो देश में वरिष्ठ लोग हैं पार्टी उनको योग्य और क्षमता के आधार पर नियुक्ति देती है, इसलिए असम का बनाया जाएगा राज्यपाल बनाया जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सीनियर है तो एक अनुमान था, एक कल्पना थी कि कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश से कुछ वरिष्ठ नेताओं की यदि सेवाएं ली जाएंगी तो उसमें इनका नाम हमेशा अग्रणी रहेगा। बिल्कुल सतीश पुनिया जी, अब अनुमान था कल्पना थी, लेकिन अगर अनुमान था कल्पना थी तो नाम को लेकर भी चर्चा जाहिर सी बात हुई होगी, और जिसको नियुक्त किया जाएगा उसके पद पर भी तो फिर नियुक्ति होगी, उसको लेकर भी फिर मंथन हो गया होगा, विचार विमर्श हो गया होगा? नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत गरिमा का पद है और उसकी अपनी एक सीक्रेसी रहती है, स्पष्ट तौर पर कोई कुछ नहीं कहता कि नियुक्ति होगी उसके एवज में कौन होगा, ये तो काल्पनिक सवाल है, थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी इतने ज्यादा एक्साइटमेंट की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है सतीश पुनिया जी, बहुत शुक्रिया। राजस्थान की राजनीति में बेहद सक्रिय गुलाब चंद कटारिया वरिष्ठ नेता, और अब क्योंकि चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल में जिस तरीके से आपने सुना अशोक परनामी कह रहे थे उनकी कमी तो जरूर खलेगी, क्योंकि वो अब असम पहुंच जाएंगे, असम की जिम्मेदारी वो निभाएंगे। आयुषी मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आयुषी देखिए वही सवाल, क्योंकि राजस्थान में चुनावी माहौल और चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया अब असम की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, ऐसे में राजस्थान में कमी खलेगी उनकी? अब बिल्कुल दीपिका सही कहा कि राजस्थान में कमी जरूर खलेगी, क्योंकि जिस तरह से फसलिया ने बातचीत भी की थी, लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास किया, तो उसमें यह सामने आया था कि गुलाब चंद कटारिया हमेशा से मुद्दों को प्रमुखता से रखते हैं, अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं, अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। और देखिए सुबह भी फसलिया के दर्शकों को बताया गया था कि उनके जो घर के दरवाजे हैं हमेशा खुले रहते हैं, कार्यकर्ताओं से लगातार बातचीत करने का प्रयास करते हैं, तो बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पीछे पीछे हम देख रहे हैं कि समर्थक बहुत ज्यादा है, बधाई दे रहे हैं, जरा उनसे बातचीत करिए ना। अब बिल्कुल देखिए दीपिका, आपको तस्वीरों के माध्यम से भी मैं दिखाना चाहूंगी कि लगातार जो है समर्थक पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दौर भी लगातार जारी है, और लगातार देखिए बधाइयों का दौर भी इसी तरह से जारी रहने वाला है। बिल्कुल आयुषी, ये जो समर्थक है उनसे बातचीत भी करिए, उनसे उनकी प्रतिक्रिया भी लीजिए, वो किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी खुशी है उनमें, क्योंकि उनके नेता को नई जिम्मेदारी मिली है। सर देखिए एक बड़ा अहम दिन है राजस्थान के लिए भी, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल घोषित किया जा चुका है असम का, किस तरह से देखते हैं? देखिए मैडम, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बीजेपी को दी है, जनसंघ से लेकर के आज तक लिया, और इनके लिए और राजस्थान की जनता के लिए गौरव का पल है कि इनको गवर्नर बनाया गया असम का। सर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना अहम दिन होने वाला है सर ये? नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। देखिए कटारिया जी शुरू से ही संघ से जुड़े हुए हैं और बड़े कद्दावर नेता है राजस्थान प्रदेश के, तो एक अच्छा डिसीजन, और बाकी बड़े नेतृत्व जानता जो भी इस बारे में, बाकी देश प्रदेश की सेवा करिए आगे भी करते रहेंगे, यही शुभकामना उनके लिए, भविष्य की हार्दिक शुभकामना है हमारी तरफ से। सर देखिए चुनावी साल भी है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव भी होना है, तो उस लिहाज से किस तरह से देखते हैं? देखो ये तो चुनावी साल है, आगे देखने क्या होता है, भीट एंड वाज की स्थिति है। सर आपसे बातचीत करते हैं। आयुषी काफी सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं। आयुषी ये बताइए कि आप कोई नया चेहरा वहां पर गुलाब चंद कटारिया को बधाई देने के लिए पहुंचा है क्या?
बिल्कुल दीपिका, देखिए अगर यहाँ की बात करें तो अभी वसुंधरा राजे और गुलाब चंद कटारे के बीच में बातचीत चल रही है। और दीपिका, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिर्फ बधाई के अलावा अगर हम बात करें तो अब रणनीति भी तय की जानी है, क्योंकि आगे क्या हो रहा है, जैसे कि हम बार बार बातचीत कर रहे हैं कि आगे राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव भी होने, और उसी बीच में देखिए बड़ी घोषणा की जा चुकी है कि राज्यपाल घोषित किया जा चुका है उनको, तो अब आगे राजस्थान की राजनीति में क्या होगा, कौन सा वो भारतीय जनता पार्टी का कह सकते हैं वो मुख्य चेहरा होगा जो उनके पद पर होने वाला है। बिल्कुल, फिलहाल तो देखिये ये बड़ी जानकारी है और ये आज की बड़ी खबर है। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 13 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, जिसमें गुलाब चंद कटारिया का नाम भी शामिल है। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, वो चेहरा कौन होगा जो नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, इसको लेकर भी हर किसी की नजर रहेगी इस पर भी, और ये कौतूहल का विषय होगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से बदलाव हम देखेंगे, इसको लेकर भी जानकारी दर्शकों को देंगे और नजर इस पर हर किसी की बनी है। आपका बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।